हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गुजरात के प्यारे से सुंदर से गांव से आप सभी का स्वागत है। और देखो, मॉर्निंग के बजे हैं 10 और अभी मम्मी गौशाला का काम कर रहे हैं। थोड़े थक गए, थोड़ी तबीयत वीक है, तो ये काम स्टार्ट करके आराम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये टमाटे मुंह में पानी ला रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े और प्यारे प्यारे दिख रहे हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है। तो आज कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज कल शाम हम या गांव के पास ही में बटेका की खेती की थी ना, तो वहाँ से हम एक पूरे का पूरा कट्टा लाए बटेका की। तो आज बनाने वाले हैं वेफर, हमारी पहाड़ी गांव की वेफर। तो अभी हम नीलम को हेल्प कर रहे हैं और वो बोल रही है कि मुझे वीडियो में मत लेना, पर हम लेंगे क्योंकि वो कपड़ा धोती है ना तो उसे शर्म आती है। तो हमारी पहाड़ी वेफर बनना स्टार्ट हो गया है। और देखो, सबसे पहले तो ये जो बटेका है ना, उनको ऐसे ही ला के धो देने का। देखो, यानी सबसे पहले तो इनको धो दिया है, और जो बिगड़े हुए होते हैं ना खेत में से डायरेक्ट लाए हैं, तो क्या है, निकालती है के वक्त किसान के पास जो बिगड़ जाते हैं, कट जाते हैं ना, वो ऐसे सड़ जाते हैं, तो हम सीधे खेत से लाए हैं। तो क्या है कि थोड़े बहुत बगड़े हुए है तो इनको बाहर निकाल दिया है, आधे हो तो उसको काट दिया है, फेंक नहीं दिया। और ये वेफर खाने में मजा आता है, और जब बारिश के मौसम में तो खत्म हो जाती है ना, तो जब खत्म होने वाली हो ना कोई भी चीज, तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगती है। ये बनने में पूरा एक दिन लगेगा। कितनी सारी वेफर है, 55 किलो का जो बटेका लाए ना, उन सभी का वेफर ही बनने वाला है। ऐसे ही पानी पूरे का पूरा उबलने लगे ना तभी रखते हैं। काफी देर हो गए ये बनने की, तो बोल क्या है कि पानी गर्म नहीं हुआ था। वैसे तो आज ही शाम को इसे तल के खाने की इच्छा हो गई है, मुंह में पानी आ रहा है, पर क्या करें। पक जाएगी, उसके बाद ये दूसरी वाली रखी जाएगी। देखो पक गई। और इसके बाद आखिर में सारी की सारी वो लास्ट वाली है ना, वो हो जाएगी। गरम कुछ ज़्यादा ही है, ये वाली कुछ ज़्यादा ही पक गई थी, तो देखो टूट गई है। ये वाली परफेक्ट है।
गरम 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 बधार से। तो पिया तो यहाँ बना रही है वेफर और मम्मी जी को बोलते हैं कि सुमी का कॉल आया है कि खाना बना दे। तो सुमी है हमारी बड़ी बहन और वो यहाँ से दूर 200 किलोमीटर दूर पंचमहाल महिसागर नदी के किनारे पे, वहाँ उनकी जॉब है टीचर की, तो वो वहाँ रहते हैं। तो देखो मम्मी जी तो अभी भी यहाँ गौशाला में हैं और आराम कर रही। मम सुमी ने फोन आया तो ली खावा बना तो मम्मी जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी, तो वो बोल रही है कि बटेका का सब्जी बनाए हैं तो सुमी खा लेगी, तो कोई बात नहीं। और देखो कुछ दिखा दें, आए हैं तो दिखाई देते हैं। ये वाला वो ब्लॉग हम कल दिखाएंगे, क्योंकि ये वेफर भी कल बन जाएगी, पक जाएगी और कल उसको तेल के खा के दिखाएंगे कैसी बनी। और देखो इसका ब्लॉग तो हम अलग ही बनाने वाले हैं। आज सोचा था कि पिया ने बना रहे हैं ना इसके ओराया, ये गाय भैंस के गोबर से बनाए हुए हैं देखो, और इसे ऐसे ही कई सारे बनाएंगे। और जब होलिका दहन होगा ना हमारे गांव में यहाँ, तो वहाँ ले जाएंगे यहाँ से। और ऐसे ही हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे ऐसे ही बनाते और होलिका दहन के वक्त यहाँ से ले जाके वहाँ सभी लोग जमा करते हैं और फिर बाद में हमारे यहाँ होली दहन होता है। तो देखो पूरी की पूरी अभी सूखी नहीं है वेफर, पर क्या है अभी इनको कल ही रखना पड़ेगा। और अब ज़्यादा ये सूर्य की किरणें भी नहीं आ रही, तो इसे अब उठा लेंगे बिजाने। और देखो नीलम कुत्ते को नहीं खिला रही, खुद खा रही है। देखो सुमी आ गई है घर पे और खाना में चक्री लाई है। चक्री चक्री आ गुंद तो आपको बहुत दिलो नहीं मारती नहीं खो। तो देखो यहाँ से गुंद तो काफी सारी ले गई थी पर फिर से वापस घर पे लाई है। और ये ना आलू और मतलब साबूदाना की चक्री बनाई है मैंने, सुमी ने खुद बनाई है और हमारे लिए लाई है। होली करने आई है क्योंकि होली में हमारे यहाँ क्या है बहुत बढ़िया खेली जाती है। उस बार तो पूरी की पूरी काली कर दी थी, तो फिर से काला रंग लगवाने के लिए आई है। तो चलिए काफ़ी शाम हो गई, तो ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और हमारी ये पहाड़ी वेफर आपको कैसी लगी वो कमेंट कर देना, और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो ये जो वेफर जब परफेक्ट बन जाएगी ना तब खाएंगे। तो तब तक बाय बाय, कल फिर से मिलेंगे।